बेंगलुरु में बज़्म शाहीन का 32वां कुलहिद मुशायरा मुनक्किद हुआ। इस मौके पर बज़्म शाहीन के सदर बाबा जी को नसीम अवार्ड से नवाजा गया। अब न जले सिंदूर किसी का, अब न कहीं बम। बेंगलुरु के मदीना ग्राउंड में कुलहिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया। बज़्म शाहीन के इस 32वें मुशायरे में मुल्क के कई बड़े शोरा ने शिरकत की। बेंगलुरु के अलावा आसपास के इलाकों के लोग बड़ी तादाद में मुशायरे में मौजूद रहे। इस मौके पर बेंगलुरु के मुहिबान उर्दू ने बज़्म शाहीन के सदर बाबा जी को नसीम उर्दू अवार्ड से भी नवाजा। मारूफ समाजी कारकुन आमिल बाबा जी गुज़िश्ता कई बरसों से बेंगलुरु में कुलहिंद मुशायरे का इनेकाद करते आ रहे हैं। बात जो लोग उर्दू से नफरत करते हैं या उर्दू के प्रोग्रामों की नेगलेक्ट करते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता था कि आप जब भी चाहो प्रोग्राम रखना चाहो, ज़रूरी नहीं है कि आप वीकेंड ज़रूरी हो या छुट्टियां होना ज़रूरी हो। मुशायरे में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए शोरा ने अपने कलाम से सामईन को बेहद महसूस किया। तुम्हारे एक इशारे पर कहो तो जान भी दे दूं, तुम्हारे प्यार में जीना हमें मरना सिखाया है। मेरे रिश्ते हुए जख्मों की न परवाह कीजिए, दर्द बढ़ जाता है जब आप दवा देते हैं। मुशायरे उर्दू की तहजीब और सकाफत का खास हिस्सा रहे हैं। किसी तंजीम की जानिब से मुसलसल 32वें कुलहिंद मुशायरे का इनेकाद करना किसी कारनामे से कम हरगिज नहीं है। ईटीवी न्यूज के लिए बेंगलुरु से रऊफ अलूरु की रिपोर्ट। इसी के साथ